वजीर आजम जी अबू जेबी में गडल अरब इमारतों के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान से मुलाकात। वापारी सीड़पकारी के हथी वटफाण से गाल बोल। मुलाकात दौरान खिते की सूरत हाल के हवाले साबक आलमगी डेवट शहबाज शरीफ चाहिए है तो हुकूमत पाकिस्तान अंदर सीड़पकारी बढ़ाने लाय कदम खड़ी रही है। हर दुखे वक्त में सहकार करते हुए यूएई क्यादत जा थोड़ा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो जर्मनी जो दौरो। पाक फौज सरबराह की जर्मनी आमद। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस पारा आजियां जनरल आसिम मुनीर के जर्मन फौजी दस्ते पारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया वो। आर्मी चीफ की जर्मन फौज सरबराह से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर जो जर्मन आर्मी चीफ से गड़ी जर्मनी के आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर जो भी दौरो। जाती मुफादन लाए मुल्की मुफादन के दाव ते न लगाने घुर्जे। सोचल समझल साजिश हुई तजिया हिता सनतू हलू वन। सियासी मकसदन लाए सिंध के टारगेट न करण घुर्जे। हा 15 साल अग कराची जो हालतू खराब हुई। निगरान हुकूमत के दौर में स्ट्रीट क्राइम वधी वयो। गुजरल एक महीने का स्ट्रीट क्राइम में 50 सैकड़ों घटताई आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिलना मेमर जो कराची में व्यापारियों का खिताब संदस चवड़ा है तो कराची की तरक्याती मनसूबन से अरबे रुपया खर्च किया पा वन। सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी लाए कम कर रही है। सूबे में ट्रांसपोर्ट जो निज़ाम बेहतर बढ़ाया पे वन। बसू आंद पे वन। पनिया किलवासी मोहम्मद हुसैन आराई के बाजियाबी जी प्रिया कुमारी के बाजियाब करण की जल्द खुशखबरी दींदी। साफी नसरुल्लाह गडानी के हमले में मुलव जवाबदार केतरा भी बासर छो न होजन कें गिरफ्तार किया वो। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह जो मीडिया से गालों चवे तो कच्चे में नई हिकमत अमली तहत दुआर खिलाफ ऑपरेशन किया वो।